आज अपने साथ महिंद्रा XUV700। ये गाड़ी यार सच में ही अपने आप में रेवोल्यूशन है। इस सेगमेंट की फर्स्ट जनरेशन गाड़ी है ये। इसकी हेडलाइट हो गई, ग्रिल काफी अट्रैक्टिव है इसकी, और ये फ्रंट कैमरा भी इसमें है, फ्रंट कैमरा और सेंसर भी है इसमें। काफी अट्रैक्टिव गाड़ी लग रही है देखने में। अभी इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, चला के देखते हैं। मुझे पर्सनली जो इस गाड़ी में सबसे ऑड लगा ना, मुझे ये लगा यार, ये अगर कोई जानता नहीं होगा इस हैंडल के बारे में तो तोड़ देगा इसको, खींच सकता नहीं, जब बच्चे वगैरह खींच सकते हैं। और गाड़ी के अंदर देखे तो यहाँ पे आपको सारे सीट कंट्रोल मिले हुए हैं। आप 1 2 3 अपनी तरफ से प्रोफाइल बना के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ विंडो कंट्रोल है सारे, और यहाँ आप देखेंगे तो महिंद्रा की लोगो, जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो नहीं है। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल सारे, डिस्प्ले काफी इसमें जो अट्रैक्टिव है वो है इसकी डिस्प्ले, इंफोटेंट सिस्टम, और साथ में ये इसका जो मीटर होता है पूरा डिजिटल ये है। और यहाँ आपके सारे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिल जाते हैं। यहाँ आपके कुछ कुछ थार की तरह पार्किंग बटन वगैरह और अदर सारे बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ वायरलेस चार्जर, और ये आपका USB पोर्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेकिंग, ऑटो होल्ड का भी फीचर है इसके अंदर। ये सारे इंफोटेंट कंट्रोल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट विद स्पेस। और यहाँ पे इसका ग्लो बॉक्स हो गया, कूलिंग वाला नहीं है, सिंपल है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ ऊपर आपका 2 रीडिंग लाइट, ये पैनारोमिक सनरूफ का कंट्रोल। वैसे महिंद्रा वाले इसको स्काई रूफ बोल रहे हैं, इन्होंने नया इसको नाम दिया स्काई रूफ। यहाँ SOS के लिए बटन है, SOS कॉलिंग के लिए। ये आपका ग्लास होल्डर, सनग्लास होल्डर। बाकी गाड़ी काफी अच्छी है, स्पेसफुल। चलिए अब गाड़ी कर लेते हैं टेस्ट ड्राइव, और गाड़ी की रोड प्रेजेंट देखते हैं, रोड प्रेजेंट कैसी है और रोड परफॉर्मेंस कैसी है इस गाड़ी की। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट इस गाड़ी के इंटीरियर में इसका एनक लॉक है, जो ऑन होते ही एक ई क्लास वाली फीलिंग देता है जब हम गाड़ी में स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले लेते हैं XUV700 का। बिल्कुल, गाड़ी का जो देखा जाए ना, एक नया रेवोल्यूशन लाने वाली है गाड़ी मार्केट में, क्योंकि XUV700 अब फिलहाल बुकिंग ले रहे हैं इसकी। हाँ, बुकिंग तो चल रही है सर, बुकिंग कभी भी करा सकते हैं। अच्छा, जैसा इसका बता रहे थे कि बुकिंग के कुछ टाइम में ही कितने मिनटों में कितनी गाड़ी बुक हुई है, 57 मिनट में 25,000 यूनिट्स बुक हो गई थी पैन इंडिया। फिर नेक्स्ट डे इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी 10 बजे, तो 2 घंटे में फिर से 25,000 बुकिंग हो गई थी। तो उस टाइम ये बता रहे थे कि जिस टाइम गाड़ी बुकिंग शुरू हुई थी, अगले दिन तो इनकी साइड क्रैश हो गई थी, बुकिंग ही नहीं हो पाई। उस दिन साइड क्रैश होगी, मतलब इतनी बुकिंग, मतलब 25,000 बुकिंग 57 मिनट्स में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है इस गाड़ी के लिए, जो आज तक किसी गाड़ी का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना है कि इतने कम समय में इतनी बुकिंग्स जो क्रॉस कर गई थी इसकी। और एक्स शोरूम क्या रहेगा इसका? एक्स शोरूम इसमें चेंजेस हो गए बेसिकली। एक्स शोरूम अब है, उस समय था 11.99 का पेट्रोल और 12.49 का इसका डीजल का एक्स शोरूम था, और वही अब हो गया है पेट्रोल में अब 12.49 और वो तो मतलब गाड़ी इतनी ज्यादा बुक होगी तो महिंद्रा ने इंक्रीज कर दी। वो उन्होंने रखा था एक इंट्रोड्यूसिंग प्राइस जो था कि 25,000 बुकिंग, उन्होंने साइड पे भी डाल रखा था 25,000 बुकिंग तक वही प्राइस रहेगा जो हम अनाउंस कर रहे हैं डे वन पे, लेकिन नेक्स्ट 25,000 पे उन्होंने 50,000 बढ़ा दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब गाड़ी लॉन्च करने के लिए उन्होंने प्राइस कम दिया, और उन्होंने पहले रखा था कि 25,000 जो कस्टमर 25,000 बुकिंग में एंटर करेगा उसके लिए वो प्राइस रहेगा, उन्होंने वो साइड पे भी डाल रखा था, और उसमें जो लकी पर्सन था उसके लिए वो होगी, और जो नेक्स्ट डे लगाया उनके लिए नेक्स्ट डे का प्राइस लगाया। अच्छा, जिन्होंने अब जैसा उस अमाउंट पे बुक करी है, जी तो उस अमाउंट पे गाड़ी मिलेगी जो पहले अमाउंट पे बुक हुई है। हाँ, डे वन पे जो लगाई है उस पे तो वो मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट डे लगाई है उसमें 50,000 प्राइस बढ़ के आया है अब प्राइस, और इसकी मेट द टाइम ऑफ डिलीवरी वाला प्राइस चल रहा है। शिवम पर इसमें इंडिकेटर के साथ यहाँ भी स्क्रीन आ रही है, ब्लाइंड व्यू मिररिंग सिस्टम बोलते हैं इसे, ब्लाइंड व्यू मिरर सिस्टम, ताकि साइड वाला विजिबिलिटी हमें क्लियर होगी। ये गाड़ी का फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट फीचर्स है, और ये 10.25 के डुअल सुपर डिस्प्ले है, जिसमें एक वॉइस असिस्ट मिलेगा आपको एलेक्सा, एड्रीनोक्स विद 60 एप्लीकेशन का कनेक्टेड है, ठीक है, और एडवांस ड्राइव असिस्ट सिस्टम इसके अंदर, जैसे कि एलेक्सा भी इनबिल्ड है,
तो एलेक्सा के थ्रू हम कमांड दे सकते हैं, एलेक्सा ओपन द सनरूफ, एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, मतलब ये ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। और गाड़ी के अंदर एडिप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये फीचर्स इतने आते हैं कि गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की अप्लाई, और अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा स्काई रूफ दिया है, इतना बड़ा स्काई रूफ किसी गाड़ी का नहीं अभी तक तो। और ट्रेडमार्क स्काई रूफ, सब लोग सनरूफ बोलेंगे लेकिन ये स्काई रूफ है, ट्रेडमार्क कर दिया है, कोई अदर कंपनी स्काई रूफ नहीं बोल सकती है, अगर बोले और वो अपना नाम देना है, ये पेटेंट कर दिया, उन्होंने पेटेंट दे दिया इसको। बाकी गाड़ी की बात करें तो गाड़ी तो क्लिच काफी सॉफ्ट है इसका, और गाड़ी के अंदर आप बात करते हैं तो इसमें डुअल ऑप्शन इंजन, पेट्रोल एंड डीजल बोथ इंजन, इसमें पेट्रोल जो पावर जनरेट करता है 200 bhp और 380 nm का टॉर्क है, और वही डीजल में दो इंजन है 155 bhp जो MX सीरीज के अंदर आता है जो 360 nm का टॉर्क जनरेट करेगा, वही AX सीरीज, एडिनॉक्स सीरीज में आप जाते हैं तो एडिनॉक्स सीरीज के अंदर आपको ये उसका तो एडिनॉक्स में दो इंजन टॉर्क आ जाते हैं, ऑटोमेटिक में आएगा आपको 430 nm का टॉर्क और 450 nm का टॉर्क आएगा आपका ऑटोमेटिक, और पावर 185 bhp है। और 0 to 100 क्या है इसका? अंडर 5 सेकंड में 0 to 60 जी बोथ इंजन, मतलब पेट्रोल डीजल ऐसा नहीं है, दोनों के आपको बेट टर्बोचार्जर इंजन है पेट्रोल। और अपने सेगमेंट में गाड़ी की बात करते हैं तो 7 एयरबैग्स आ जाते हैं, प्लस इसका जो सिस्टम है ना 3D साउंड सिस्टम पे 12 स्पीकर, तो सोनी का सिस्टम है। अच्छा 12 स्पीकर, 12 स्पीकर के साथ सिस्टम दिया हुआ है, और इंटेली कंट्रोल्स दिए हुए हैं, हम अपनी गाड़ी के यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं पूरी का। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिए हैं, ऑटो होल्ड है, मतलब ये काफी सारे एडवांस फीचर्स हैं, और ये बेसिकली इस गाड़ी के अंदर एडिप्टिव क्रूज कंट्रोल है जो आप देख रहे हैं, ये लेन कीप असिस्ट, गाड़ी को आप टर्न कर रहे हो तो ऑटोमेटिक उसमें लेन कीप असिस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो गाड़ी कब से रिसीव, कब से मतलब ये डिलीवर करना, डिलीवरी बेसिकली स्टार्ट होगी पेट्रोल की इस मंथ के एंड से स्टार्टिंग है, और डीजल की नवंबर के मंथ एंड से स्टार्टिंग होगी डिलीवरी। बाकी गाड़ी पूरी लग्जरी है, गाड़ी के अंदर फील के बैठ के तो एक बार आप स्टीयरिंग थोड़ा सा छोड़िए, अब आप फील करना, अपने आप छोड़ दो स्टीयरिंग, अपने आप कटेगा इसका। अरे ये क्या है? ये लेन कीप असिस्ट है, गाड़ी अगर आपका कहीं देखो ये असिस्ट कर रही है आपको, 3 बार बाद खत्म हो जाएगी, नहीं करेगा, और गाड़ी की स्पीड 60 से अबव होगी तो ही वो लेन कीप असिस्ट वर्क करता है, 60 बिलो 60 पे नहीं करेगा। और एडिप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है, एडिप्टिव क्रूज कंट्रोल का फंक्शन होता है कि मेरी गाड़ी 60 पे मैंने सेट कर रखा है, और सामने वाले टारगेट व्हीकल को ये टारगेट कर लेगी, और जिसकी रेंज होती है 100 इस पे नहीं करेगा, जिसकी रेंज होती है कि 160 मीटर के आगे की गाड़ी को ट्रैक कर लेगा ये, और जैसे उस गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो ये मेरी गाड़ी के भी 60 पे ब्रेक लग जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये तो गाड़ी का मेन फीचर है, क्या नाम है इस फीचर का? इसको बेसिकली बोलते हैं लेन कीप असिस्ट, ये हमारे एडवांस ड्राइव असिस्ट सिस्टम जो अडास जो दिया है ना महिंद्रा ने, तो अडास के अंदर ये वर्क करता है सर। ठीक है, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट है इसके अंदर। तो यार ये तो सबसे अलग दे दिया महिंद्रा ने, सभी के लिए गाड़ी का अनाउंस लॉन्च किया है, इसमें 5 और 7 सीटर दोनों प्रोविजन दिए हुए हैं, और ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है हमारे पास, जो अगर कस्टमर ऑल व्हील ड्राइव पे भी स्विच करना चाहता है तो पावरफुल, बहुत पावरफुल इंजन है, जैसे 450 nm का टॉर्क के साथ 185 bhp पावर जो आउटपुट कर रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर, अगर इस सेगमेंट ने देखे इतना बड़ा, इतने फीचर्स के साथ में अगर कोई गाड़ी है आप जाते हो तो, अभी करंट में कोई गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट की इतने फीचर्स के साथ, और प्लस सबसे प्लस है इंडियन ब्रांड है, मेक इन इंडिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, हर तरह से महिंद्रा पहले भी, सबसे पहली गाड़ी उन्होंने एक्सयूवी फाइवडोर लगाई थी जिसके अंदर लग्जरी ग्लोबली फीचर्स जो सबसे पहली गाड़ी के अंदर थे वो उतने किसी गाड़ी के अंदर फीचर्स भी नहीं थे उस समय से, स्टार्टिंग 2011 से हमारी गाड़ी इस तरह से चल रही है, और सारे फीचर्स ट्राई एंड टेस्टेड फीचर्स हैं अभी तक, और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको फील खुद ब खुद आ रहा होगा, नॉइस लेवल बिल्कुल जीरो है गाड़ी में, और स्टीयरिंग आप कंट्रोल, स्टीयरिंग पे आप देखिए सॉफ्ट स्टीयरिंग है, तो वो सारी चीजें आपको
कहा जाए तो एक मर्सिडीज वाला फील दे रही है। बिल्कुल, आपको ये डिस्प्ले है ना, आप एक मर्सिडीज ई क्लास में बैठ जाना और उसके अंदर फिर फील करना, आपको साइड वाली जो ड्राइविंग सीट्स को एडजस्ट करना, मेमोरी प्रोफाइल जो दिया है इन्होंने, तो वो सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको एकदम अलग ही लग्जरी फील आएगा। इसके अंदर जो ये डीजल मॉडल है, इसके अंदर आपको तीन ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, जैसे जिप मोड। अभी सर ने देखो, जिप मोड में आपका डिस्प्ले भी चेंज हो जाएगा, उधर भी डिस्प्ले चेंज होगा, इधर भी डिस्प्ले, मतलब जिप मोड सिटी ड्राइविंग के लिए हो जाता है, और जेप मोड एक नॉर्मल ड्राइविंग के लिए, जो वो भी डिस्प्ले चेंज हो जाएगा, जैसे हम जाएंगे डिस्प्ले चेंज हो गए। जेप मोड बेसिकली गाड़ी के अंदर पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ज्यादा, और जूम मोड बेसिकली ऑन हाईवे, इसमें भी देखना आपने डिस्प्ले एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम जूम मोड आ गया और गाड़ी एकदम पावर पहले के अकॉर्डिंग भी गाड़ी के अंदर पावर ज्यादा जनरेट हो जाती है और गाड़ी का जो पूरा फोर्स होता है। कस्टम मोड्स होते हैं, कस्टम मोड्स में आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, बट अभी इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जब गाड़ी की डिलीवरी करते हैं उसी समय, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। और इसके अंदर फिर और भी डिस्प्ले में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये काफी सारे मोड्स आ जाते हैं इसमें, इंडिया टूडे और ये सारी चीजें, जस्ट डायल, सारी ऐप जितनी भी है, 60+ ऐप मिलेंगे इसके अंदर जो आप चला सकते हो गाड़ी के अंदर। तो इसमें वॉइस कमांड है? जी जी जी, वॉइस कमांड एलेक्सा इनबिल्ट है वॉइस कमांड, जो आप इसे उसके थ्रू कमांड दे सकते हैं, जैसे कि कुछ भी चलाने के लिए। और इसको एक और है कि आप एडिनोस कनेक्ट करके जस्ट लाइक अपने फोन के थ्रू भी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करना, एसी चलाना, सब कुछ घर से बैठ के आप कर सकते हो। ये सारी चीजें आप फोन के थ्रू भी आप गाड़ी को अपनी को कमांड दे सकते हो। अच्छा, थर्ड रो में भी एसी वेंट अवेलेबल है? नहीं, थर्ड रो में एसी वेंट्स के मिडिल और इसका है, लेकिन थर्ड रो का कूलिंग कॉइल बिल्कुल सेपरेट है ताकि कूलिंग बेटर मिलेगी पीछे, वहाँ का पीछे का रियर एसी चलाएंगे तो पीछे का एसी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। अच्छा, पीछे बैठे हुए लोगों को गर्मी नहीं लगेगी? उसमें एसी कॉइल ही अलग है, उसमें डुअल कूलिंग कॉइल डुअल है इसके अंदर गाड़ी के अंदर, ताकि हमारा एसी का परफॉर्मेंस बेटर रहती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल गाड़ियों में सिर्फ ब्लोवर ही दिए जाते हैं थर्ड रो तक, लेकिन इसके अंदर तक कूलिंग कॉइल। तो ये अपना पूरा रहा गाड़ी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जैसे गाड़ी का ऑटो इमरजेंसी ब्रेक ऑटोमेटिक लग गए थे, ब्रेक बेस अप्लाई भी नहीं किए थे मतलब शिवम ने, लेकिन आगे वाली गाड़ी को हिट होने से पहले ऑटोमेटिक गाड़ी वहीं के वहीं स्टॉप हो गई थी। इसको जो बोलते हैं ना इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट। अभी जो आपने वीडियो में देखेंगे, अभी इमरजेंसी ब्रेक लेने पड़ गए थे, फ्रंट पे जो आगे जो गाड़ी चल रही थी उसने एकदम से इमरजेंसी